आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। वो कांग्रेस जिसने भारत के मान सम्मान की और आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिसने भारत में जो तिरंगा दिया, जो हमारी आन बान और शान का प्रतीक है, आज उसको हाथ में लेकर हर आदमी गर्व महसूस करता है। क्योंकि जब कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में, तो मन में जज्बा एक ही था, मैं रहूँ नहीं रहूँ मेरा देश रहना चाहिए। और जिस तिरंगे को स्थापित करने के लिए, देश की आज़ादी के लिए, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, इन लोगों ने कुर्बानी दी। आज हम सब की जिम्मेदारी है कि हम धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश के मान और सम्मान के लिए आगे बढ़ें। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा सब अपनी जगह काम करेगी। कांग्रेस ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि आज़ादी की लड़ाई की सफलता का मुख्य कारण ये था कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध जाति और धर्म पे के लिए झगड़ा नहीं कर रहा था, बटे हुए नहीं थे, एक होकर लड़े। आज बीजेपी जिस तरह का षड्यंत्र करती है, सिर्फ वोट की खातिर, ना बीजेपी को, ना हमको, ना सपा को, ना बसपा को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को धर्म और जाति में टकराव खड़ा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई और खुलकर राहुल गांधी जी ने ये कहा कि मैं तो पूरे देश में घूम कर आया हूँ। दिन भर हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान टकराव की बातें आती है, ना तो ये आज़ादी से पहले था, ना आज़ादी के बाद है। हम वोट की खातिर कितनी राजनीति कर लें, अब वक्त आ गया जब लोकसभा में बिल पास होना चाहिए कि धर्म और जाति के नाम पर यदि पॉलिटिकल पार्टियां वोट मांगती है, टकराव खड़ा करती है, गलत भाषण देकर दंगे फसाद कराती है, तो वो देश की दुश्मन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। तो ऐसे में बिल पास होने की ज़रूरत है कि जिस तरह से दल बदल कानून लेकर आए राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा पंचायतों को अधिकार दिए राजीव गांधी जी ने, उसी तरह से वक्त आ गया जब अब धर्म और जाति पर टकराव के जो भाषण देते हैं, सोशल मीडिया पे गलत प्रचार करते हैं, झूठ लिखते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का वक्त आ गया। आज के दिन एक ही संकल्प होना चाहिए कांग्रेस स्थापना दिवस के दिन, जाति और धर्म से ऊपर उठकर भारत के लिए तिरंगे को अपना धर्म मानकर आन बान शान के लिए लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन भारत में प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे देश को मजबूत करने। सर रंधावा जी आज आए हैं, आप लोगों से भी चर्चा करेंगे, अलग से आप लोगों से विधायक मंत्री आप लोग भी फीडबैक देंगे तो हमारे समझ में वो नहीं है। माँ को फीडबैक 4 साल हो गया सरकार ने, मैं तो माँ की तरफ से तो फीडबैक आज सुन लीजियो कि कहीं फीडबैक देना बताओ, वो भी तो पूछवा लाग गया, कहीं जमानो आयो है तो फीडबैक माने बुलाई को नहीं। आप ये मैं आज कह रहा हूँ आपको, कोई किसी को भी एमएलए को, मैं एमएलए ही हूँ, मिनिस्टर भी हूँ, मेरे पास कोई ऐसा अलग से फ़ोन नहीं आया कि आपको अलग से फीडबैक के लिए बुलाया जा रहा है। नहीं, मैं तो मिलने से रंधावा साहब माकार, मैं रंधावा साहब कहाँ, वह प्रभारी है, मैं हूँ विधायक हूँ, मैं जिलाध्यक्ष हो रहा हूँ अभी तक तो जयपुर में, तो मैं ये बात कहना है कि ये अब तो एक ही काम चालू हो गया, चुनाव चाहे 1 साल बचे हो चुनाव को, और ये मैं कह सकता हूँ कि हमारा काम अच्छा है और हमारे काम के आधार पर हम वापस सरकार बनाएंगे। ये बीजेपी की हवा निकल गई, भारत जोड़ो यात्रा में तो पांव रखने के लिए जगह नहीं थी, लाखों लोग सादर जन आक्रोश यात्रा की तो चोट हो गई, इनके पहिए निकाल के ले गई जनता और इनके रथ गायब हो गए। रथ इसलिए गायब हो गए कि रथ जितने भी थे वो सारे के सारे बाटे पर खड़े हो गए, कहीं के टायर निकाल के ले गए लोग। अब आप मुझे ये बताइए, जन आक्रोश यात्रा इनकी फेल हो गई, जन आक्रोश है पेट्रोल डीजल की महंगाई के खिलाफ, जन आक्रोश है केंद्र के धोखे के खिलाफ, जन आक्रोश है 15 लाख और अच्छे दिन का वादा करने वालों के खिलाफ, जन आक्रोश है जिन लोगों ने आटे, दाल, चावल, दही, छाछ पर टैक्स लगा दिया। आपको पता है पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ, मैं तो मीडिया के लोगों से कहूंगा, जब 2 बार टैक्स नहीं लगता, आटे पर ले लिया पहले, आटे के बाद पराठा बनाया, बोला 18% और दे, मारेगा क्या काका, 2 बार लेते हैं कि आटे पर ले ले या पराठे पर ले ले, पहली बार रोटी पर और आटे पर टैक्स लगा। ये कीर्तिमान कोई नहीं कर सकता, बीजेपी कर सकती है, लेकिन बीजेपी का घमंड टूटेगा। राहुल गांधी ने जो बड़ी बात कह दी, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकला हूँ, तो बीजेपी आड़ंगन बाप को जवाब ही नहीं निकल रहा उनके पास। तो अब उन्होंने कल मैंने देखा सोशल मीडिया पे राहुल गांधी जी के जो बयान हैं वो फिर तोड़ मरोड़ के वो चालू किए, लेकिन अब जनता समझ गई, जवान समझ गया देश का। आप आश्चर्य करोगे, जिस प्रधानमंत्री के नारे सब जगह लगते थे, मैं झालावाड़ से लेकर वहाँ तक देख रहा हूँ, राजस्थान में एक आदमी ने उनका नारा नहीं लगाया, डर गए लोग, इतना बड़ा जन समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिला। आप इतना मानकर चलिए, कांग्रेस का आज स्थापना दिवस है,
कांग्रेस 2023 में राजस्थान जीतेगी, आज कह रहा हूँ स्थापना दिवस के दिन, और 2024 में देश बदलेगा, गारंटी से कह रहा हूँ। 2024 में यही राहुल गांधी देश का नेतृत्व करेगा। पेपर लीक की कड़ी कार्रवाई सरकार ने की, लेकिन एक मौका मिला बीजेपी को आरोप। आप मुझे एक बात बताइए, पेपर लीक के मामले में बीजेपी जो काम कर रही है वो ठीक है क्या? पूरे देश में पेपर लीक होते हैं, बीजेपी का राज्य यूपी, वहाँ रोज पेपर लीक होते हैं, राजस्थान से ज्यादा होते हैं रोज। यूपी सरकार भी नहीं चाहती, राजस्थान सरकार भी नहीं चाहती पेपर लीक हो। आप इनकी हरियाणा में सरकार है वहाँ पेपर लीक होते हैं, दिल्ली में पेपर लीक होते हैं, हिंदुस्तान के हर एग्जाम में पेपर लीक हो जाते हैं। अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, उनके लिए यहाँ तक तय कर दिया, उनकी संपत्ति जब्त करेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अब ये अति हो गई है इस तरह के माफियाज की, जो पेपर लीक करते हैं, बदमाशी करते हैं, बेईमानी करते हैं, अब इनका अंत आ चुका है, क्योंकि सरकार बहुत सख्त हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री आगे नेतृत्व कर रहे हैं इस सारी लड़ाई को, और ये सुन लेना आप, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो पेपर लीक करने वाले हैं उनको कोई हम छोड़ रहे हैं क्या? कानून हम बना रहे हैं। पेपर लीक वालों को अरेस्ट हमने किया, ये बीजेपी वालों ने अरेस्ट किया। आप मुझे बताइए, पेपर लीक हुआ, पेपर लीक करने वालों को किसने पकड़ा? राजस्थान की सरकार ने गिरफ्तार किया, और अखबारों को खबर भी हमने ही बताई मीडिया को। तो ईमानदारी इससे ज्यादा क्या चाहते हो? ये बीजेपी वाले मुझे लगता है इन पेपर माफियाओं से मिले हुए हैं, तभी ये इस तरह की बात करते हैं। इनको क्या इंटरेस्ट, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि आटा खा गए पराठा खा गए, मुद्दा नहीं है, इसलिए बीजेपी इनको मुद्दा बनाती है। बीजेपी प्लान बताए पेपर लीक को रोकने के लिए, बीजेपी के पास कोई प्लान है? बीजेपी के राज्यों में तो रोज हो रहे, तो बता दें वो हमारे साथ बैठ ले, हम उनको भी शामिल कर लेंगे, हम भी चाहते हैं पेपर लीक होना रुके। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहुत बढ़िया प्लान है तो बता दें। बार घोड़ो करे दिन भर, वसुंधरा जी के टाइम पे जब बीजेपी का राज था, 4 साल पहले पेपर लीक होते थे। अब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, पहले वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी बीजेपी की, उनके टाइम पे भी पेपर लीक हुए। मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, को चाहे विधायक हो, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे जनता हो, हम सब चाहते हैं पेपर लीक नहीं हो, ये मानकर चलना। किसी कीमत पर किसी को छोड़ेंगे नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और राजस्थान पहला ऐसा राज्य जहां पेपर लीक के मामलों में सरकार इतनी सीरियस है, इतनी सख्त है, और ये हंगामा करते रहते हैं। पहले विधानसभा नहीं चलने थी 4 दिन इन्होंने, अब ये वापस हंगामा कर रहे हैं। इस हंगामे से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पास कोई प्लान है तो वो लेकर आओ, कोई सुझाव दो सरकार को, जो सब मिलकर ये पेपर लीक परमानेंट रोकें। अपन यूपीएससी के पेपर लीक नहीं होते, ऐसी चीज नहीं। क्या यूपीएससी का फॉर्मेट अब आरपीएससी को अपनाना चाहिए? नो डाउट, आप ये मानते चलिए कि यूपीएससी का जो पैटर्न है वो आपको निश्चित रूप से, हम उसको भी चेक कर लेंगे, लेकिन आप चेक कर लेना यूपीएससी का पेपर लीक नहीं हुआ क्या कभी भी? रेयर चांस है लेकिन हुए हैं, इसलिए आप ये मानकर चलना ये यूपीएससी का पैटर्न हो वो भी लागू कर देंगे, कोई बीजेपी के पास पैटर्न हो वो भी ले आओ, किसी विपक्ष के पास हो वो ले आओ, लेकिन हम पेपर लीक हमारी जान देकर भी लोग रोकना चाहते हैं। दुनिया जानती है इस बात को, और इसको हम सच्चाई के साथ कह सकते हैं, पेपर लीक को, यही राजस्थान मॉडल स्टेट बनेगा, जैसे मेडिकल की योजनाओं में मॉडल स्टेट बना पेपर लीक को रोकने में। ठीक है।